अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ स्टेशनरी वोकैबुलरी, जब जो आपको नहीं समझ आ रही होती जब आप ऑफिस पे काम करते हैं या आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको इनके नेम इंग्लिश में नहीं आ रहे होते, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ वी हैव डेस्क। ये तो हर बंदे को पता होता है, चेयर है, चेयर के आगे आपके मोस्टली अगर आप स्कूल में हैं कॉलेज में हैं तो डेस्क होते हैं। देन वी हैव चेयर, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल केस। पेंसिल केस क्या है? यू हैव पेंसिल्स, यू हैव बॉल पेंस, उसको वो जो इन्वेलप सा होता है, आप इन्वेलप तो नहीं कह सकते लेकिन एक स्पेसिफिक की चीज़ है जिसमें आप इसको पैक करते हैं, बंद करके रखते हैं, दैट इज़ पेंसिल केस। मोस्टली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग यूर बैग्स, सो आप पेंसिल केस ही लेके जाते हैं, उसमें पेंसिल्स डाल लेते हैं। देन वी हैव बैक पैक। अब सीजर्स, एक ये क्या है? दिस इज सीजर्स, कैंची। इसको आप सीजर्स क्यों कहते हैं? अब कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम एज अ प्लूरल ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वर्ड है ट्राउजर्स, इसको हम ट्राउजर्स लिखेंगे, सीजर्स, ठीक है, ग्लासेस। सो व्हाई वी कॉल देम एज ग्लासेस, या आप कहते हैं कि स्पेक्टेकल्स, ठीक है, एनक। अगर आप ऐनक की बात करें और स्पेक्टेकल्स और ग्लासेस और गूगल्स की, सो उसमें क्या होते हैं? फ्रेम एक होता है, बट वी हैव टू ग्लासेस, ग्लास या शीशे, उसमें दो लगे होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज ग्लासेस, उनको ग्लासेस कहते हैं। ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, प्लस वी हैव सीजर्स एज वेल, ठीक है। नाइफ, नाइफ को कनेक्ट करके इसमें दो वो बना दिए, दैट इज कॉल्ड सीजर्स। कंपस, कंपस क्या होते हैं? ये आपके, अगर आपने कभी ज्योमेट्री बॉक्स देखा, मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट वी डोंट नो कि इसका पर्पस क्या है, लेकिन आपको मीनिंग आना चाहिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। पेंस, सेम इज केस विद क्लिप्स, प्लस वी हैव कलर्ड पेंसिल्स एंड कलर्ड पेंसिल्स। अगर आप यूके में जाएंगे या यूके उसकी स्पेसिफिक वोकैबुलरी सर्च करें, सो कलर्ड की स्पेलिंग क्या है? सी ओ एल ओ यू आर ई डी। लेकिन अगर हम US पे जाएं, COLORED, यहाँ पे U नहीं है। देन वी हैव शार्पनर, स्टेपलर, कैलकुलेटर, बॉल पॉइंट्स, हाइलाइटर, जिसे हाईलाइट करते हैं उसको हाइलाइटर कहते हैं, दिस इज रबर, ओके। हाँ, कभी हम कहते हैं दिस इज इरेजर, कभी कहते हैं रबर। अब UK की जो लैंग्वेज है, दे पीपल यूज रबर, एंड इन USA दे यूज इट एज रेजर। हाँ, दिस इज स्कॉच टेप। स्कॉच टेप डिफरेंट टाइप की होती है, एक आपने देखी होगी कि पेपर पे मोस्टली लगती है, दिस इज कंप्लीट स्कॉच टेप। ओके, पेंट, पेंट ब्रशेस, प्रोटेक्टर, देन दिस इज सेट स्क्वायर ग्लू, ये बीकर है, ठीक है, ये लेबोरेटरी में आप जब जाते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, वहाँ पे आपको जरूरत पड़ता है। फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, देन वी हैव फनल, बाइंडर्स। बाइंडर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि डिफरेंट फाइल्स को जब हम कंबाइन करते हैं उसको, अगर बाइंडर्स, आप स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, बाइंडर्स कोई भी चीज़ जब किसी को जोड़ती है, यू कैन से इट इज़ बाइंडर। कंप्यूटर, पेपर्स, देन वी हैव फाइल होल्डर। फाइल होल्डर क्या है कि जिसमें डिफरेंट फाइल्स आप रखते हैं, वहाँ पे उनको अगर होल्ड करता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइल होल्डर। ये मोस्टली ऑफिस में भी होता है, स्कूल कॉलेज में भी होता है। वी हैव मैप, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, ये चीज़ों को मैग्नीफाई करता है। क्लॉक, वी हैव ब्लैक बोर्ड, एंड द लास्ट वर्ड इज वी हैव ग्लोब। ये थी हमारी कुछ बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी। अगर आप बेसिक लर्नर्स हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल दीज वर्ड्स, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।